परशुराम कुंड अमृत भारत रथ यात्रा का धौलपुर में सर्व समाज ने किया भव्य स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर, श्री परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा के धौलपुर में आगमन पर भव्य स्वागत एवं पूजन भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। अमृत भारत रथ यात्रा जिले की तहसील सैंपव से धौलपुर होकर बाड़ी बसेड़ी सरमथरा होते हुए करौली जाएगी। विधि पूर्वक पूजन कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, पूर्व प्रधान हरिनिवास शर्मा, पीसी बोहरा, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, लंबी शर्मा, पूर्व सभापति रितेश शर्मा, विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, संजीव शर्मा, प्रशांत तिवारी, अंजनी पाराशर, मुकेश शर्मा, रामदत्त शर्मा, सचिन बोहरे, समाजसेवी रिंकू शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिकों द्वारा पूजन किया गया। यात्रा का संपूर्ण शहर में जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। दर्शन हॉस्पिटल डॉक्टर मनोज त्यागी, माँ भगवती हॉस्पिटल एवीएम स्कूल के संचालक वीके त्यागी, एसएन कॉलेज गुलाब बाग, लाल बाजार, लाल बत्ती चौराहा, जगदीश टॉकीज, हनुमान चौराया, कई जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रनीश तिवारी की रिपोर्ट। चामड़ मंदिर पर हुए हत्याकांड की जांच तेज, कल एसपी ने किया था मौका मुआयना। बाड़ी की प्रमुख खबर, कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिहड़ इलाके में स्थित चावड़ माता मंदिर पर कल हुए सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर आज पुलिस अधिकारी गंभीरता से जांच करने में जुट गए। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि हत्या के बाद टुकड़ों में मिला शव, लेकिन उसका सिर अभी तक नहीं मिला है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। हत्याकांड के अज्ञात अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रारंभिक जांच में आज सिविल डिफेंस डॉग स्क्वाड CDRF की टीम मौके पर पहुंची तथा खोजी कुत्तों द्वारा आसपास के इलाके में शव के लिए सिर की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम भी मौके से साक्ष्य जुटाने पहुंची है। आज कंचनपुर थाना पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामले में आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। कल टोटरी के बीहड़ में स्थित मंदिर के पास शव टुकड़ों में मिलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। वीवीएन ब्यूरो के लिए बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। रुका था ना अभी तक ना चंतो रो कुत्ता निशान सुमत जा रहा हूँ थाना आजा क्षेत्र में बाबुद्दीन सनोप सिंह खान की हत्या के सिलसिले में उसका सर नहीं मिलने पर काफ़ी प्रयास पुलिस अधिकारियों द्वारा आम जनता के सहयोग से कल भी किए गए थे, आज भी किए गए। सिविल डिफेंस डॉग स्क्वाड एवं SDRF के माध्यम से भी पतारसी की जा रही है। सुबह से ही कल दिन से पूरी प्रशासन द्वारा वहां सिर की तलाश की गई। इस पर परिजनों ने देर शाम आपसी सहमति से FIR दर्ज कराई। आज आपसी सहमति के बाद इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हॉस्पिटल में की जा रही है। जल्दी संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीमान SP साहब के निर्देशन में सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं।
श्री परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का कैथरी ग्राम पर हुआ भव्य स्वागत। सैंपो की प्रमुख खबर, कैथरी ग्राम पंचायत के सरपंच अजय कांत शर्मा के नेतृत्व में गांव में स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर श्री परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में भवरी राम, प्रकाश शर्मा, बहरे राजेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, भोले माता प्रसाद शर्मा, भवरी देवी शर्मा, बहरे सतवीर शर्मा, बहरे धीरज शर्मा, ठाकुर कोमल सिंह परमार, ठाकुर सुखवीर सिंह परमार, ठाकुर वीरेंद्र सिंह परमार, ठाकुर साहब सिंह परमार, संजय बंसल, शंकर भगत सहित सर्व समाज के अनेक गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तालुका विधिक सेवा समिति की बैठक आयोजित, मृत्यु भोज समाप्त करने पर दिया जोर। बाड़ी की प्रमुख खबर, अपर जिला सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार की अध्यक्षता में तालुका विधिक सेवा समिति का साक्षरता शिविर पंचायत समिति सभागार में हुआ आयोजित। शिविर के मुख्य अतिथि ACJM नीरज कुमार ने वर्षों से चली आ रही सामाजिक कुरीति के रूप में मृत्यु भोज को बताया बड़ा अभिशाप। मृत्यु भोज रूपी अभिशाप का बहिष्कार करने पर दिया जोर। शिविर में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत स्तर का स्टाफ व अध्यापक गण मौजूद रहे। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। समाज में भी अलग अलग अपने जाति धर्मों में भी इस तरह के वचन लेते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाई हम ऐसा काम मीना समाज इस बारे में बढ़कर बच्चों में आता है कि उन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया हुआ है या फिर शादियों में। अरे आप लोग बूढ़े मत करो, आप लोग तो बैठ जाओ, आप फोटो वोटो मत करो, आप विवाद भी होता है तो वो सारी इस तरीके की मीना समाज के बारे में सुनने में आता है कि उन्होंने इतना प्रतिबंध लगा रखा है या फिर वो ऐसा चाहते हैं। MCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भामासाह ने करीब 200 बच्चों को की जर्सी वितरित। बाड़ी की प्रमुख खबर, बाड़ी उपखंड में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका नवीन में नेकराम मीना पुत्र श्री शिवचरण मीना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MCD दिल्ली द्वारा जर्सी वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिओम सिकरवार UCEO बाड़ी ने की। मुख्य अतिथि शिवदयाल मंगल पूर्व PMO बाड़ी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उमेश सिंगल, उमेश कुमार एवं महेश अवस्थी रहे। मंच संचालन हरिओम बंसल तथा सुमन बंसल ने किया। पप्पू सिंह रावत कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने सभी का स्वागत किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी स्टाफ साथियों ने सहयोग किया। सभी ने नेकराम मीना स्मार्ट विलेज धनोरा निवासी के नेक कार्य की प्रशंसा की। चरण हाउस महेश बोहरे सरपंच के निवास पर श्री परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। धौलपुर की प्रमुख खबर, बोहरे महेश शर्मा ने अपने परिवार सहित श्री परशुराम कुंड मंथन यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर खिल्लो बोहरे, मुकेश बोहरे, रामू बोहरे, कक्के बोहरे, सचिन बोहरे, जयंत, अंचित, भोला, दुर्गेश शुक्ला, विकार खान एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राजीव रस्तोगी बने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के निर्विरोध डायरेक्टर। धौलपुर की प्रमुख खबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का निर्विरोध डायरेक्टर बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माला साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि राजीव रस्तोगी एक निष्पक्ष, निर्भीक एवं ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको तीसरी बार निर्विरोध डायरेक्टर बनाए जाना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। भाजपा परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। राजीव रस्तोगी ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा है कि मैं आभारी हूं। धौलपुर की आम जनता और भाजपा परिवार का आप
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जरिए लोन लेकर एवं एफडी कराकर अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्था आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार चलती है। इस अवसर पर विशम्बर दयाल, नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, हरिनिवास प्रधान, विष्णु सिंगल, डॉक्टर मनोज शर्मा, जयवीर पोसवाल, भूपेंद्र घुरैया, मुकेश सक्सेना, विनय परमार, नंदकिशोर शुक्ला, ऋतिक वर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, भोगीराम जाटव, हरेंद्र राव, राम भरोसी जाटव, शशि त्यागी, विजय त्यागी, मुश्ताक कुरैशी, विशाल सिंगल, हेम सिंह बघेला, मुकेश कुलश्रेष्ठ, राम प्रसाद बघेला, लाडली मोहन त्यागी, अनिल धारिया, शिवम राजावत, मुकेश गुर्जर, समीर खान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, जिसमें डायरेक्टर के पद पर मुझे निर्विरोध चुना गया है और ये धौलपुर के लिए सौभाग्य की बात है। ये बैंक धौलपुर के वासियों को और बाड़ी वासियों को ज़्यादा ब्याज पर लोन्स वगैरह एफडी वगैरह पर ज़्यादा ब्याज देती है और बुजुर्गों के लिए भी 0.5% ज़्यादा ब्याज देती है। मैं सबसे अपील करूँगा कि आप अपनी ज़रूरत और व्यापार की उन्नति के लिए यहाँ पर आरबीआई के निर्देशन में ये बैंक कार्य कर रही है। धन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप अपनी आवश्यकताओं के लिए, उद्योग धंधे के लिए यहाँ पर कोई भी मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने पार्षदों पर लगाए आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान में हो रहे घोर जंगल राज पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार को वर्तमान में हो रहे घोर अन्याय पर, साधु संतों की हो रही हत्याओं पर, कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। साथ ही भाजपा के पार्षदों पर दुष्कर्म के जो आरोप लगे हैं उनकी सत्यता जानने के लिए जिला अध्यक्ष ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशम्बर दयाल शर्मा की अध्यक्षता में जांच करेगी, जिसमें कुक्कू शर्मा, नेता प्रतिपक्ष राजीव रस्तोगी, पूर्व चेयरमैन, जिला मंत्री विनय परमार, भूपेंद्र घुरैया, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भोगीराम जाटव, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना सदस्य हैं। यह कमेटी जांच कर जल्द रिपोर्ट देगी, जिसके आने के बाद तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार बंधु, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की इस कांग्रेस के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार से त्रस्त राजस्थान की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। उसी कड़ी में धौलपुर में भी धौलपुर के कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता ही पोल खोलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो नगरपालिका स्तर पर हो, चाहे वो नगर परिषद स्तर पर हो। आज खुलेआम जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव धौलपुर में किया जा रहा है वो आम जन से छुपा नहीं है। आज जिला स्तर पर, जिला स्तरीय अधिकारियों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, और चाहे वो जंगल राज के रूप में आज साधुओं की हत्या काट काट कर विभिन्न भागों में बांट कर और उनको जंगल में फेंका जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुशासन से, जंगल राज से, भ्रष्टाचार से इस धौलपुर की पार्टी है। और उसी संदर्भ में हमने एक उच्च स्तरीय जिले की कमेटी बना दी गई है, शीघ्रता के साथ इसकी निष्पक्ष जांच करके वो रिपोर्ट पेश करेगी। अगर वो कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। धन्यवाद। राजकीय विद्यालय में हुआ यूनिफॉर्म का वितरण, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र के सिकरौंदा पंचायत के ग्राम छीतापुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत निशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को किया गया। निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानाचार्य अमरीश कुमार, अध्यापक प्रेम निवास शर्मा, कैलाश शर्मा, सीमा शर्मा, ग्रजेश रावत पीटीआई एवं राजीव गांधी युवा मित्र कमल किशोर वर्मा आदि उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। कक्षा 1 से 8वीं तक हुआ 389 छात्र छात्राओं को निशुल्क ड्रेस वितरण, बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निशुल्क योजना के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ड्रेस वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवा ने विद्यालय में इंटरलॉक खरंजा एवं महिला बच्चियों के लिए शौचालय बनवाने की घोषणा की तथा बताया कि इस विद्यालय से मेरा पुराना नाता है, मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य श्याम
सुंदर शर्मा नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच, रामदीन कुशवा समाजसेवी, सत्येंद्र कौशिक, देवेश शर्मा, राजवीर परमार सहित सभी स्टाफ व बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने चालू की, उसके बाद बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था सरकार ने चालू की। अब सरकार ने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ड्रेस वितरण का कार्यक्रम। ग्राम पंचायत धनुकापुरा के विद्यालय में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरित, बड़ी की प्रमुख खबर। सरपंच प्रतिनिधि डालचंद पहाड़िया व राकेश कुमार पहाड़िया एवं समस्त विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी में विद्यालय के छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म का कपड़ा वितरित किया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा का हुआ भव्य स्वागत, रूपबास की प्रमुख खबर। आज रूपबास में भगवान परशुराम आमंत्रण अमृत रथ यात्रा अरुणाचल प्रदेश में श्री परशुराम कुंड व विशाल मूर्ति 51 फीट स्थापना हेतु पूरे भारत में आमंत्रण रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपबा तहसील में आज ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भरतपुर के जिला अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा एडवोकेट द्वारा व संपूर्ण जिला व तहसील कार्यकारिणी व ब्राह्मण समाज द्वारा भव्यता से स्वागत सत्कार किया गया। भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में नमन करते हुए फूल माला के साथ रथ यात्रा को आगे धौलपुर जिले के लिए रैली के रूप में सम्मानित कर भेजा गया। इस मौके पर रूपबास सहित आसपास के गणमान्य ब्राह्मण एवं सर्व समाज काफी संख्या में उपस्थित रहे।